नमस्कार। अपर्णा यादव को भले ही बीजेपी से टिकट ना मिला हो, चुनाव लड़ने का मौका ना मिला हो, लेकिन बिना किसी नाराजगी या अफसोस के वो बीजेपी को जिताने के लिए जी जान से जुटी हुई है। यही वजह है कि वो अलग अलग जगह जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। इस दौरान अपर्णा न सिर्फ बीजेपी का गुणगान कर रही है बल्कि विपक्षी दलों पर जमकर हल्ला भी बोल रही है। इसी सिलसिले में अपर्णा यादव बहराइच पहुंची, जहां पर उन्होंने अनुपमा जायसवाल के समर्थन में हुंकार भरी। बहराइच पहुंची अपर्णा यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। बहराइच में अपर्णा ने अस्पताल चौराहा स्थित बीजेपी के सदर विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी दौरान अपर्णा विरोधी दलों को लताड़ने से भी नहीं चूकी। अपर्णा ने कहा, प्रधानमंत्री के मन को देखिए कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनवाई, लेकिन भारत के नागरिकों के साथ पड़ोसियों का भी ख्याल रखा, पड़ोस के देश को भी फ्री में वैक्सीन दी। भाजपा की लड़ाई सिर्फ राष्ट्र बचाने के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह की अराजकता से बचाने के लिए है। इस दौरान बिना नाम लिए अपर्णा सपा को दंगों की पार्टी बताने से भी नहीं चूकी। अपर्णा ने कहा, आप लोगों को दंगा कराने वाली सरकार चाहिए या दंगा रोकने वाली सरकार चाहिए? अगर दंगा रोकने वाली सरकार चाहिए तो सभी लोग बीजेपी को मतदान करें। इस दौरान मुलायम की बहू द्वारा दिया गया ये बयान वाकई सभी को हैरान कर रहा है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता इस बयान से गदगद नजर आए। आपको बता दें, अपर्णा ने इस दौरान यादव समाज का उत्साह भी बढ़ाया। बताते चले, सपा से बीजेपी में आई अपर्णा लगातार खबरों में बनी हुई है। एक के बाद एक अपर्णा के ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। कुछ वक्त पहले बाराबंकी सीट पर मौथरी और बिटौली में जनसंपर्क करने गई अपर्णा ने बेबाक बयान दिया था। दरअसल उनके संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे और इस पर अपर्णा ने कहा था, यादव हूं, शेरनी हूं, सपाइयों से नहीं डरती हूं। जंगल का राजा शेर होता है मगर शिकार शेरनी ही करती है। अपर्णा ने आगे कहा था, जब राजपूतों की सेनाएं युद्ध के लिए निकलती थी तो यादव उनका नेतृत्व किया करते थे। अब समय आ गया है कि पूरी बिरादरी भाजपा का साथ देकर पीएम मोदी और सीएम योगी के हाथों को मजबूत करें। इसी के साथ अपर्णा ने यादव बिरादरी के लोगों से आह्वान किया था कि आप सब कमल खिलाकर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। इस दौरान अपर्णा ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया था। बहरहाल अपर्णा जिस तरह से सपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उससे आपको क्या लगता है कि अपर्णा बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।